दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी, भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे।